संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे नहीं होंगे, आपको बता दें इन पर रोक रहेगी। आचार संहिता के दौरान सरकारी वेबसाइटों से विभाग पर भी रोक रहेगी। नेताओं मंत्रियों के सभी संदर्भ हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी भवनों विज्ञापनों पर फोटो संदेश नहीं रहेंगे। एम्बुलेंस वाहनों पानी के टैंकर पर नाम नहीं होगा, फोटो संदेश हटेंगे। एमपी एमएलए एलएडी योजना के तहत दिए जाने वाले कार्ड, बिजली और अन्य बिल जैसी वस्तुओं से नेताओं के फोटो हटाए जाएंगे। नेताओं के सरकारी वाहन निजी उपयोग के लिए बंद हो जाएंगे। आचार संहिता लगने के बाद सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के ट्रांसफर और पदस्थापन पर भी रोक लग जाएगी। नई घोषणा और लाभकारी योजनाओं पर रोक रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें जिन पर आचार संहिता लगने के बाद रोक लग जाएगी। सरकारी खर्च पर मीडिया के विज्ञापन जारी नहीं होंगे। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे भी नहीं हो पाएंगे। सरकारी वेबसाइटों से विभाग में से मंत्रियों के फोटो हटाए जाएंगे। नेताओं मंत्रियों के सभी संदर्भ हटाने के निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे। सरकारी भवनों विज्ञापनों पर फोटो संदेश नहीं रहेंगे। आचार संहिता लगने के बाद इन चीजों पर रोक लगा दी जाएगी। एम्बुलेंस वाहनों पानी के टैंकर से नाम हटा दिए जाएंगे। तो 2018 के नतीजे, 199 सीटों के कांग्रेस 99, बीजेपी 73, बीएसपी 6 और आरएलपी 3। ये सीटें 2018 में इन तमाम पार्टियों ने हासिल की थी। राजस्थान में सीपीआई 2, आरएलडी 1 और निर्दलीय 13 विधायक जीते थे। तो ये 2018 के नतीजे हैं। किसको कितना बहुमत मिला आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख सकते हैं। और अब आदर्श आचार संहिता कभी भी लग सकती है, तो तमाम पार्टियां इस समय पूरी तरह से तैयारी में हैं चुनाव लड़ने की। और आपको बता दें 2018 के नतीजे इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कांग्रेस 99, बीजेपी 73, बीएसपी 6, सीपीआई 2, आरएलडी 1 और निर्दलीय 13 सीट पे जीत हासिल की थी। अब 2023 का रन सामने है, ऐसे में कौन कितना अपने आप को साबित कर पाता है और इस रन को जीत पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद तमाम राज्यों में किस किस दिन चुनाव होंगे इन तारीखों का ऐलान किया जाएगा और आदर्श आचार संहिता लगा दी जाएगी। तो ये चुनाव नतीजे इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2018 के कांग्रेस 99 पर जीती थी, बीजेपी 73 पर, सीपीआई 2 पर, आरएलडी 1 पर और निर्दलीय 13 सीटें इन चुनावों में हासिल किए थे 2018 के नतीजे। और राजस्थान में आपको बता दें 200 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस ने इसमें 108 पर जीत हासिल की, बीजेपी 73 पर, सीपीआई 2 पर, आरएलडी 1 पर, निर्दलीय 13 और खाली एक सीट रही। तो 200 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ स्थिति इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़। सतवीर, आचार संहिता कभी भी लग सकती है, तमाम तैयारियां इस समय पार्टियां कर रही हैं चुनाव लड़ने की, क्या कुछ तस्वीरें इस समय नजर आ रही है? आप कांग्रेस मुख्यालय पर खड़े हैं। जी देखिए, मैं कांग्रेस मुख्यालय पर खड़ा हूं और यहां पर माना जा सकता है कि अब इंतजार हो रहा है कि कब जो आचार संहिता की लगेगी और उसके बाद में जो तारीखों का जो ऐलान होगा और इसके साथ ही जो तैयारियां हैं वो भी यहां पर कर ली गई है, ऐसे में माना जा सकता है। क्योंकि चुनाव काफ़ी अहम है, विधानसभा चुनाव में पूरी जो सभी जो पार्टियाँ हैं वो लगातार अपनी पूरी जोश खरोश के साथ में जुटी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि सब अपने अपने तरीके से इसे किसी भी तरीके से जो जीत है वो हासिल करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आचार संहिता लगने के साथ ही अब कई चीजों पर जो रोक है वो लग जाएगी, ऐसे में माना जा सकता है कि अब पूरी तरीके से जो रणभेरी है वो चुनाव की वो यहाँ पर बच चुकी है। हमारे साथ में कुछ जो जिस तरीके से अगर कांग्रेस कार्यालय की बात करूं तो यहाँ पर भी गहमा गहमी का जो दौर है वो लगातार जारी है। सर, आचार संहिता लगने में अब कुछ ही समय बाकी है, तैयारियां किस तरह मान रहे हैं? क्योंकि अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ में भी पूरी तरीके से जोश खरोश के साथ में जुटने की बारी आ चुकी है। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा से तैयार है और राजस्थान में तो विशेष रूप से मैं कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो काम किए हैं, चाहे वो हर क्षेत्र के अंदर,
चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे महिला के क्षेत्र में, चाहे बच्चों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता को जो राहत दी है। और मैं सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो वो सरकार है जो महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। गैस सिलेंडर जो हम 400 रुपये में दे रहे थे, वो उस गैस सिलेंडर को वो 1100-1150 रुपये में दे रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना बनाई, उन्होंने उज्ज्वला योजना के नाम से उन्होंने प्रचार किया,